हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, दिस स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। सो सुबह सुबह यहाँ ना कुछ लकड़ी का काम चल रहा था, ठोक पीट, और उसके कारण ना नींद खुल गई। सो आज तो है छुट्टी का दिन, वीकेंड्स है, सैटरडे संडे एकदम मस्त। सो देखिए आज मैं करीब 10-10:30 बजे सो के उठी हूँ। सो मैंने वो जो हैंगर दिखाया ना आपको कल लास्ट व्लॉग में, जो मैंने प्लांट्स लाए थे, तो वो एक मैंने पॉट ऐसा प्लांट हैंगर ऐसे हैंग करके रखा है। सो सुबह सुबह मैं फ्रेश फ्रेश होके आराम से चाय वाय पी के ना और ब्रेकफास्ट कर लिया था जल्दी, और फिर हमने सोचा कि मतलब ब्रेकफास्ट ऐसा हैवी नहीं किया था, हल्का सा कुछ किया था चाय के साथ, कुकीज़ वगैरह, और फिर ना सोचा ब्रंच कर लेते हैं। तो फिर आज ना मैंने सोचा ढोकला बनाते हैं, तो मैं इंस्टेंट ढोकला बनाने वाली हूँ। इंस्टेंट मिक्स नहीं है, मैं खुद ही बनाऊँगी, और इसलिए मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ करके, तो आप भी देखना कैसे बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोल में एक बर्तन में बेसन ले लिया है, आप कोई भी बेसन ले सकते हैं, नॉर्मल वाला। यहाँ पे मैंने जो पैकेट वाला मेरे पास बेसन था वो ले लिया है, और उसमें हल्का सा आपको डालना है पानी और उसमें डालना है दही। नाउ आई नो ढोकले के लिए लाइक मेजरमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे ना मैंने सब अंदाज से डाला है, बिकॉज मुझे समझ आ जाता है कितना डालना है करके, अभी इतना बना के रोज़, तो इसलिए मैंने ऐसे मेज़र करके नहीं डाला है, अंदाजे से ही डाला है। और उसके बाद इसमें ना कम से कम 2-3 स्पून ऑयल के डालने होते हैं, और ये एकदम ही पिंच ऑफ लाइक शुगर मैंने इसमें ऐड किया है, और इसे एकदम अच्छे से फेंटना होता है, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए, और इसके जो इवन अब बेसन के वो जो ऐसे गाट बन जाते हैं ना वो भी नहीं होने चाहिए। सो वेल, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैंने बहुत सारे पर प्लांट्स लेके आए थे, वो मैंने लगाए थे। सो मैंने ना नए कुछ और लाए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। सो मैंने अच्छे से इसे मिक्स करके विस्क करके रख दिया है, कम से कम 15 to 20 minutes तो आपको रखना ही पड़ेगा, इंस्टेंट है बट स्टिल यू हैव टू गिव 15 to 20 minutes इसको सेट होने के लिए। सो जब तक सेट हो रहा है, फिर मैंने सोचा कि ये देखो जो अब मेरी सुबह सुबह मेड आई थी, मैंने उसे बोला है रोज़ अब 10 to 10:30 के बीच मॉर्निंग में आ जाए, सो कम से कम हम उठ भी पाएंगे, सुबह सुबह काम भी हो जाएगा, और फिर ऑफिस भी जाना होता है। अभी आशी और मेरी दोनों की शिफ्ट 12 o'clock की है नून की, तो बहुत लेट हो जाता है एक्चुअली, फिर काम करते करते हड़बड़ हो जाती है, इसलिए फिर ना उसे मैंने मॉर्निंग में ही बुला लिया। सो वो आके पूरा झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन सब करके चली गई है। सो मैंने सोचा ये बर्तन मैं सारे तब तक जमा देती हूँ, क्योंकि अगेन फिर ना अगर इसको ऐसे ये पड़ा रहता है कभी कभी 2 दिन तक, तो सो ये भी एक टास्क है बर्तन जमाना भी, तो फिर ये सब मैं भी अरेंज कर रही थी साथों साथ। सो एक्चुअली जब ये वाला व्लॉग जो आप रिसेंट करंट व्लॉग देख रहे हो ना, ये मैं एडिट कर रही थी, तो मैंने इसमें सोचा था कि नाउ मैं नर्सरी वगैरह गई थी और बहुत सारे तो नहीं, मैंने और कुछ प्लांट्स लेके आए हैं, तो वो मैं पूरा एक व्लॉग में सब एडिट कर दूँगी करके। बट जब मैंने इसे व्लॉग को एडिट कर रही थी ना, तो फिर मैंने देखा कि ये रेसिपी वाली वीडियो ही ना अराउंड थोड़ी सी चल रही थी, मतलब थोड़े से हाँ ये सब के साथ साथ भी, तो वो जब मैंने सोचा कि पूरा ही दिन का ऐड करूँगी, तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, लाइक मोर देन 20-25 minutes हो रहा था, तो आई नो कि उतना बड़ा व्लॉग पोस्ट करना देन वो इंटरेस्ट बना नहीं रहता एंड तक, इसलिए फिर मैंने ना इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। सो आज वाला जो व्लॉग है इसमें बेसिकली ये जो रेसिपी इंस्टेंट ढोकले की है वो आपको मिलेगी, और फिर जो नेक्स्ट व्लॉग है ना उसमें मैं आपको बताऊँगी वो सब जो नर्सरी वगैरह कहते हैं, और मतलब यहीं से जहाँ से एंड किया है वहीं से नेक्स्ट व्लॉग में मैं कंटिन्यू करूँगी। सो प्लीज़ बी बेयर विथ मी, और नेक्स्ट व्लॉग का वेट ज़रूर करना, जल्दी ही आएगा। और हाँ भाई, सब्सक्राइब नहीं किया अब तब तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और शेयर करो यार, ज़्यादा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स काउंट्स बढ़ा दीजिए। तो देखिए बर्तन सारे अरेंज हो गए बातों में, और फिर यहाँ से मैंने ऐसे वाइप कर लिया, थोड़ा सा पानी पूरा निकल गया था। तो नाउ अब ढोकला बनाने के लिए मैंने क्या किया है ना, मैं एक साथ ही दोनों गैस में रखूँगी, जो जो बर्तन मेरे पास है अरे उस लिए। सो ये देखिए जो उसमें मैंने दोनों बर्तन में, एक में कुकर में और एक मेरे पास कढ़ाई है, वो इडली वाली कढ़ाई है। सो उसमें मैंने ना ऐसे रख दिया है पानी गर्म करने के लिए, तब तक यहाँ पे थोड़ी सी जो प्रिपरेशन बची है वो कर लेते थे। सो यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ा सा हल्दी ऐड किया, पिंच ऑफ हल्दी मैं वैसे यूजली ऐड नहीं करती हूँ, बट
इस बार मैंने कर दिया है। और ये देखिए एकदम हाफ स्पून मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने ऐड किया है जो मैं बना के रखती हूँ फिर यूज़ करती हूँ। तो मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया, ऑयल थोड़े से ऐड किया और अच्छे से इसको विस्क कर लिया है। नाउ इट्स टाइम कि उसमें हम बेकिंग सोडा मैंने थोड़ा सा डाला था, सॉरी मैं बताना भूल गई, थोड़ा सा बेकिंग सोडा ये मैं ऑयल यूज़ करने के बाद शायद डालूंगी। तो ये मैं हर बार ना ऐसे प्लेट्स में बनाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला प्लेट है एक मेरे पास, मतलब थाली वाला तो नहीं है पर ऐसे एक ये प्लेट है, तो इस प्लेट में मैं ऑयल यूज़ करके हर बार इसमें बनाती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं जो कुकर में बना रही हूँ ना वो, ये मेरे पास एक प्लेन ऐसे बर्तन है, एक प्लेन गंजी है, तो इसमें मैं बनाऊँगी करके। सो दोनों को मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया है। नाउ देखो मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो इनो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लफी हो जाता है। सो मेरे पास ये था तो मैं ये ऐड कर ली, और इसको फिर जब इनो या फिर आप सोडा ऐड करते हैं ना बेकिंग सोडा, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से विस्क करना पड़ता है, फास्ट 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 फास्ट। तो ये देखिए मैं कर रही थी अच्छे से ताकि फ्लफी हो जाए एकदम बैटर हमारा। एंड इसमें आप चाहे तो धनिया वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, करते हैं करने वाले, बट अगेन फिर मैं नहीं करती, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। बस मैं फ्लेवर के लिए जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है ना वो ऐड कर देती हूँ। सो देखिए अच्छे से विस्क कर लिया। अब दोनों बर्तन में मैं अच्छे से, ये बैटर है, बैटर आप देखिए कितना रनी है, मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं है और एकदम ही ज़्यादा थिन नहीं है, थोड़ा मीडियम कंसिस्टेंसी का, थोड़ा सा रनी हमें रखना पड़ेगा। देखिए ऐसे टैप टैप मैं कर रही हूँ दोनों को, और अगेन फिर देखिए हमारा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। उसके बाद ना मैं गई थी उधर स्टैंड लाने, स्टैंड ढूंढ रही थी मैं। सो देखिए ये स्टैंड मैं यहाँ पे रख दूँगी सेंटर पे, और उसके बाद ये टैप करके ये जो गंजी है इसको मैंने रख दिया है यहाँ पे। और देखिए मैं अरेंज कर रही हूँ अपने हाथ से, और उसके बाद फिर ये जो कढ़ाई है इसमें भी मैंने ऐसा टैप टैप करके प्लेट रख दी है स्टैंड रख के। सो अब मैंने ना ऊपर से थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया, दिस इज़ लाइक वेरी ऑप्शनल, हर बार मैं नहीं करती हूँ, अगेन इस बार मैंने थोड़ा किया एकदम ही पिंच ऑफ। और देखिए मैंने कुकर का लीड लगा दिया है और मैंने ना विसल निकाल दी है, तो ऐसे ही करना है, विसल के साथ नहीं रखना है, विसल निकाल देनी है। नाउ दोनों को 20 मिनट्स तक अच्छे से स्टीम होने देना है, और उसके बाद ना फिर उसके बाद गैस बंद करके 5 मिनट्स तक रख के उसके बाद इसको निकालना है। तो देखिए मैं ये निकाल रही थी तो निकल ही नहीं रहा था, वो सांशी बोलते हैं ना उससे, तो फिर मैंने कपड़े की हेल्प से निकाला। और साइड में ना मैं पीनट्स एंड लहसुन और जो ग्रीन चिली है उसको थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ चटनी बनाने के लिए। तो देखिए हमारे दोनों ढोकले अच्छे से बन गए, आप नाइक टेस्ट भी कर सकते हैं, मैंने भी किया था, बट एटलीस्ट आई वुड से 20 मिनट्स तो लगता ही है दोनों में इन्हें। सो देखिए साइड में ये जो मैं पीनट्स ग्रीन चिली और लहसुन जो रोस्ट कर रही थी वो अच्छे से रोस्ट हो गए। नाउ इट्स टाइम कि मैं करूँ इन्हें ग्राइंड, तो मैंने अपना ग्राइंडर ले लिया है नॉर्मल। एंड देखिए धनिया ऐड करना बहुत ज़रूरी है, अगेन मेरे पास यहाँ धनिया था नहीं तो मैंने नहीं ऐड किया है, बिकॉज उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। सो ये चटनी वाली कोई दाल थी मेरे पास जो चटनी बनाने के लिए यूज़ होती है इडली वगैरह में, वो थी, तो मैंने वो थोड़ी ऐड कर दी है। फिर सारी ये रोस्टेड की हुई चीज़ें इसमें ऐड कर दी है, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ग्रीन चिली मैं इसमें ऐड कर दूँगी, सॉरी ग्रीन चिली बोल रही हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा जीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और हल्का सा पानी। सो अभी मैंने थोड़ा कम पानी ऐड किया है बिकॉज मैं एक बार ग्राइंड करके देखूँगी फिर रिक्वायरमेंट होगी, वैसे ये बहुत ज़्यादा थिक होती है तो पानी ऐड करना ही पड़ता है, तो फिर मैं एक बार खोल के देख लूँगी, फिर मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा थिक हो गई है तो फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अगेन देखिए थोड़ा सा सॉल्ट मुझे कम लगा, मैंने टेस्ट किया था तो फिर मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है, और फिर अभी ये पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके मैं वापस से ग्राइंड कर लूँगी। सो देखिए चटनी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और ना मिक्सी मैंने वापस ग्राइंडर रख दिया है, और आई गेस अब ना हमारे जो ढोकले हैं वो भी ठंडे हो गए होंगे। सो यहाँ देखिए इसको ऐसे पलट के मैंने प्लेट में टैप टैप बस हल्का सा किया, और देखिए ढोकला बनके तैयार हो गया। ये जो आप सेंटर में देख रहे हो ना ये हल्का सा वो पानी जम जाता है ना उस कारण होता है, सो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कढ़ाई वगैरह में बना रहे हो ना
तो पैन वगैरह में। सो आप बीच बीच में ऊपर की लीड निकाल के पानी अपोच के कपड़े से फिर वापस रख सकते हो, तो उससे क्या होगा ऐसा नहीं होगा। तो देखिए मेरे ढोकले बनके तैयार हो गए हैं। नाउ अब इसमें लगेगा सबसे मेन चीज़ तड़का। तो तड़के के लिए मैंने स्टीप लिया है यहाँ पे ऑयल। उसके बाद देखिए मेरा स्टैंड ऐसा गोल गोल घूम रहा था कैमरे का, तो मैं उसे ठीक कर रही थी। फिर यहाँ पे मैं ऐड करूँगी जीरा, राई। राई ज़्यादा इसमें अच्छी लगती तो मैंने थोड़ा ज़्यादा राई ऐड कर दिया है। उसके बाद जाएगा इसमें करी लीव्स और ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ तो खाने में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने कम तीखी वाली ऐड की है। तो ये डाला है मैंने, हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट। आपके पास सेसमे सीड है या मतलब तिल है वाइट वाली, तो वो डाल सकते हो आप, वो भी बहुत अच्छी लगती है इसमें। मेरे पास यहाँ नहीं थी तो मैंने नहीं ऐड किया। फिर इसको अच्छे से मैंने थोड़ा सा क्रैकल होने दिया और उसके बाद इसमें ढोकले डाल दिया है। सो नाउ क्या होता है ना, ये जो आई वुड से ये तड़का बन रहा है ना, इस तड़के में बहुत लोग पानी और शुगर भी डालते हैं। ऑलमोस्ट गुजरात में यहाँ अहमदाबाद में तो ऐसे ही खाता है पानी वाला, उससे क्या स्पॉन्जी भी बहुत हो जाता है और वो मीठा हो जाता है, मतलब एक टाइप की चाशनी थोड़ी सी बन जाती है। बट अगेन मैं तो ठहरी महाराष्ट्रीयन, मैं मीठा उतना ज़्यादा खाने में पसंद क्या आता ही नहीं है। सो फिर यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे नॉर्मल तड़का लगा दिया अपना बिना पानी वाला, और देखिए सो यहाँ था शाम का टाइम, तो मैं हाथ मुँह धो के रेडी हो रही थी। ऐसे ना मेरी मम्मी बहुत चिल्लाती है बिकॉज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है रेडी होना, हमेशा मेरा बस बन बना रहता है। बट आज मैं हो गई। उसके बाद देखिए शाम को ना पूरा ऐसा पिंक पिंक सा मौसम हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने शाम का टाइम हो गया था तो फिर मैंने पूजा कर ली। पूजा यूजली मैं बस कैंडल जलाती हूँ और अगरबत्ती जला के हम ऐसे दिए में मैं रख देती हूँ इस कैंडल को और फिर अगरबत्ती जला देती हूँ बस। तो आज मौसम इतना अच्छा हो गया था, अब थोड़ा सा अब बैक जाके देखना, इतना पिंकिश पिंकिश था, पिंकिश भी नहीं था।